तो उसके कुछ फायदे भी हैं। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं ना, वो लाइफ में रिस्क उठाने से डरते नहीं है और बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। क्योंकि आप जब ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, नहीं तो आप मर जाओगे। ऐसे काउंटर स्ट्राइक और ये सब जो गेम होते हैं, पबजी उनमें यही होता है। सो ऐसे केस में आप लोग है ना, वो लोग जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं ना, बेसिकली उनको बहुत ज्यादा लाइफ में ना, एक तो रिस्क लेने में डर नहीं लगता और दूसरा जब भी कोई डिसीजन लेना होता है लाइफ में ना, तो वो बहुत ही क्विक डिसीजन लेते हैं। फ्यूचर में मतलब आपके लाइफ में भी आपको ये चीज बहुत काम आती है। अगर आप किसी ऐसी चीज में फंस जाओ जिसमें आपको विजुअलाइज करना हो कि अब इसमें जो मैं फंसा हूं तो मुझे कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, सो उसकी विजुअलाइजेशन करने में ऑनलाइन गेमिंग आपको कहीं ना कहीं मदद करते हैं। दैट्स नॉट लाई, दिस इज ट्रुथ। अगर आप लोगों को कहीं दर्द हो रहा हो, बेसिकली आपको मान लो दांत में दर्द है या कहीं दर्द है, बहुत पेन हो रहा है और आप उसको भुलाना चाहते हो, पेन किलर नहीं है, आप गेम खेलो। देखो सारा जो खेल है ना, बेसिकली यही है, ये दिमाग। आपका दिमाग सोचेगा तो दर्द होगा, दिमाग नहीं सोचेगा तो दर्द नहीं होगा। आप लोगों को ऑनलाइन गेम्स खेलने चाहिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ऑनलाइन गेम्स भी अगर ज्यादा खेलते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को वहां पे नुकसान भी है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग मानते हैं कि हाँ कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है और हमें इन सब चीजों को लिमिट में करना चाहिए। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। तो फाइनली मेरी तरफ से क्या है, मेरी तरफ से मैं आपसे कहूंगा कि भैया ऐसा है, एनी एक्टिविटी यू डू इज गुड व्हेन इट इज इन लिमिट। अगर आप उसको लिमिट में करते हो तो अच्छी बात है, लिमिट से ज्यादा करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को नुकसान होगा ही।